लेकिन इस बार की राजनीति कैसी है, वर्तमान मुख्यमंत्री कितने पसंद है आपको? मुस्कुरा दिया, वो बहुत प्रभावशाली नेता है महाराष्ट्र के अभी। किस बार लोकमत वर्षों से प्रशासन बैठा है और सत्ता में नहीं है, तो कई बार 2 साल से उनके काम रुके हुए हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो 1.5 साल 2 साल से आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं सीधी तौर से प्रशासन के ऊपर, अभी आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब सीधा प्रशासन से मांगूंगा। लेकिन अगर देखा है सड़कों के बारे में, आपको मैं बात करता हूँ कि बारिश खत्म होती है उसके बाद सड़कों का मैक्सिमम काम चालू होता है। अब कमियां गिना देता हूँ, मुझे लगता है जरूरी भी है। एक, जब विरार फाटा से आप विरार की तरफ आते हैं तो आप देखिए विरार फाटा से चंदनसार तक का इलाका थोड़ा पहले तक स्ट्रीट लाइट वहां पर है, अंधेर नगरी चौपट रहा। दूसरी बात, आप इसका जवाब देता हूँ। एक जरूर होना ही चाहिए प्रशासन के ऊपर, जब अंकुश आएगा बॉडी का तो काम और अच्छा होगा। नमस्कार, आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विशेष इंटरव्यू आप लोगों के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो शांत है, सरल रहता है, कभी किसी विवाद किसी भी ऐसी प्रतिक्रिया में जहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाए उस पर बहुत दूर रहता है। शांत, सरल और सीधी राजनीति करने वाला, सब में सरल लड़का, देखने के बाद लगता है कि बहुत सरल होगा, लेकिन राजनीति में आक्रामक भी हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन वो आक्रामकता खुलकर सामने कभी नहीं लाए। ऐसे हार्दिक राउत से मुलाकात करते हैं पूर्व नगर सेवक बहुजन विकास अघाड़ी के लगातार युवाओं में अपनी बैठक बनाने वाले हार्दिक राउत से। आइए हम मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं इस दिवाली और राजनीति कैसी है। सबसे पहले आपका नमस्कार, नमस्ते, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आपके चैनल से जो व्यूवर्स है उनको मैं दिवाली की हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष लोकनेता माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर, प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल, युवा आमदार श्री सिद्धीश जी ठाकुर, प्रथम महिला महापौर प्रवीणताई ठाकुर और हमारे बोईसर के आमदार राजेश जी पाटिल की ओर से और हमारी संपूर्ण टीम की ओर से दिवाली और आने वाले सब जो त्यौहार है उसमें छठ पूजा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर, सभी त्योहारों की आपको शुभकामनाएं। अच्छा, आपने शुरुआत में पूरा नाम ले लिया, कोई नाम छोड़ा नहीं ज्येष्ठ नागरिकों की, भाई कोई ना कोई ये प्रोटोकॉल होता है पार्टी के मेरे ख्याल से कि ऐसा हम बड़े बुजुर्ग घर में पे दादा का पहले सम्मान करेंगे फिर ऐसा। एक मेरी आदत है, आपने जब भी देखा रहेगा तो मैं जो भी मेरा भाषण चालू होता है वो भाषण होने दो या संभाषण होने दो उसमें मेरे जो परम पूज्य वरिष्ठ है उनका नाम मैं जरूर लेता हूं। अच्छी बात है, चलिए मैं सवाल पर आता हूँ। इस समय की दिवाली बड़े बंधनों के बाद मुक्त है और पूरा महाराष्ट्र जगमग है, अब ठीक से मनाने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक स्थिति किसी की मजबूत है किसी की नहीं। सवाल ये है कि क्या लगता है राजनीति और दिवाली इस बार की, दोनों को देखकर क्या महसूस होता है? मराठी में मैं जवाब हाँ चलेगा, क्योंकि निर्बंध जो है हमारे ऊपर प्रशासन या शासन के जो थे वो 2020-21 2 साल में थे। ये गणपति उत्सव होने दो या दही हंडी उत्सव होने दो, हम सार्वजनिक तौर से मनाने वाले महाराष्ट्र में ये दो उत्सव और उसके बाद दिवाली। गणपति उत्सव हा सार्वजनिक उत्सव सगळ्यात मोठा उत्सव असतो, जो बाळ गंगाधर टिळक म्हणजे लोकमान्य टिळक यांनी स्वराज्य मिळण्यासाठी हे दोन उत्सव, त्यातला गणपती आणि शिवजयंती, सार्वजनिक स्वरूपात साजरी करण्यासाठी चालू केली आणि त्याचं मोठं स्वरूप मुंबई महाराष्ट्र आणि विविध प्रदेशांमध्ये बघितलं जाते। आपण बघतोय महाराष्ट्राच्या राजधानीच्या शेजारी म्हणजे मुंबईच्या शेजारी आपण वसई विरार हा आपला उपप्रदेश आहे, किंबहुना पालघर जिल्हा आपण म्हणू, ह्या पालघर जिल्ह्यामध्ये मी बघितलं तर 90% लोकसंख्या ही पूर्णपणे मुंबईवर निर्भर आहे। सकाळी उठलं का मुंबईला जायचं, संध्याकाळी वसई विरार किंवा पालघरमध्ये यायचं, तर हे सण वार साजरे करणं हे मुंबईच्याच प्रमाणात आपल्याकडे होते, तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण इथे साजरे करतो। तर आज मी सांगेन की हे निर्बंध 2020-21 असल्यामुळे कुठेतरी बंद असलेला उत्सव आज उघडपणे आपण साजरा करतो, तर त्याचं उत्सवाचं स्वरूप उत्सवाचं स्वरूप येणार आणि त्या उत्सवाला आपण किती चांगल्या प्रमाणामध्ये किती चांगल्या पद्धतीने आपण तो साजरा केला जातो। कारण आज माझ्या घरामध्ये सुद्धा 2 वर्षांनी निर्बंध मुक्त म्हणजे फटाके फोडून माझा मुलगा असेल मी असेल आम्ही एकत्रितपणे साजरे करतो। आज आमचं कुटुंब आनंदाने राहणार आहे, आमच्या फॅमिली मेंबर्स एकत्र येणार आहेत, गेट टुगेदर होणार। अभी भी एक सवाल रह गया इस पे, मैंने कहा दिवाली तो अच्छी बता दिया, क्या दिवाली की तरह हर्ष इस समय की राजनीति को देखकर भी होता है आपके मन में कि यार खुश हूँ बहुत राजनीति को देखकर ऐसा है?
किस बारे में आप पूछ रहे हैं? मतलब अब इस आपका, चलिए सीधे 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 सवाल करता हूँ। इस समय देखिए, ना आप शिवसैनिक हैं और ना आप शिंदे गुट के, लेकिन एक सर्वसामान्य नागरिक के नाते, चूँकि आप जिम्मेदार रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिम्मेदार, इस नाते जो कुशल राजनीतिक परिवेश है वो होना चाहिए, उससे आने वाले युवाओं को प्रेरणा मिलती है। इस बार की दिवाली अच्छी होगी सबके लिए, लेकिन इस बार की राजनीति कैसी है? देखो, मैं बहुत छोटा हूँ इस बारे में उत्तर देने के लिए, लेकिन मैं आपको एक सीधे तौर पे बोलता हूँ। लेकिन मैं गडकरी जी को बिना बिना किसी उसके के आप किसी पार्टी, मैं गडकरी जी को फॉलो करता हूँ, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक, उनका ट्विटर देने का, और सब 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 मैं देखता हूँ। तो मुझे उनसे एक सीखने को, एक अच्छी सीख मिली है कि मेरी और उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। मैं बहुजन विकास आघाड़ी से, वो भाजपा से, लेकिन उनसे मुझे एक सीखने को मिला है कि उनके पास जो कोई भी जाता है, कोई भी एमपी, कोई भी पक्ष का हो, उसका वो काम करके देते। जैसे कि अभी दिल्ली मेरठ रोड उन्होंने अच्छा बनाया, फ्यूचर में उनका दिल्ली मुंबई रोड बनाने का है, उसके फ्यूचर में, मतलब 2024 तक वो पूरे महाराष्ट्र और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रोड बनाने वाले हैं, और अच्छी राजनीति करनी चाहिए। हाँ। देखो, राजनीति के दो भाग जरूर होते हैं, जरूर है दो भाग, लेकिन मुझे अच्छा ही लेनी है तो मैं अच्छा ही लूंगा उसमें से। तो वातावरण कैसा है? देखो, मैं एक जरूर बोलूंगा कि देखो, आज हमारे लोकनेता माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर जब राजकारण में आए थे, 1990 का दौर हो, तभी वो युवा थे। हमारे क्षितिज दादा 2009 में आए, आमदार बने, उसके पहले से 2004 से हमारे साथ युवा विकास आघाड़ी हो रही है, हम कर रहे हैं। तो एक युवाओं का दौर है, युवाओं को अच्छा पॉजिटिव अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तो वो और आगे जाएंगे। इस वातावरण में मैं आपको जरूर कहूंगा कि युवा थोड़ा सा नाराज जरूर है। क्योंकि देर में बोले आप, नहीं आपको मुझे बताना था, लेकिन पूरा खुल के बताना, हाँ समझा के बताना था, युवा नाराज क्यों है? तो आज तीन साल हो गए वसे विरार ही नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 90% जिला परिषद और 95% महानगर पालिकाओं के इलेक्शन ही नहीं हुए। युवा नाराज क्यों है? तो छोटे छोटे कारणों से नाराज है, उनके काम नहीं हो रहे, जो बेसिक काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, उनको आज युवाओं को एडमिशन के लिए जाना है तो उनको एसीओ का स्टैंप और सिग्नेचर चाहिए, कहाँ जाएंगे? नगर सेवक ही नहीं है, पार्षद ही नहीं है, जिला परिषद सदस्य ही नहीं है, तो उनको जाना पड़ता है विधायक जी के पास, आमदार जी के पास, या कोई एसीओ के पास। संख्याएं बढ़ जाती है उसमें लाइन लगाने वालों की, तो फिर युवाओं का जो नाराजगी का कारण दो ही होता है, एक उनका शिक्षा और दूसरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों चीजों में अगर कहीं पर रुकावट आती है तो युवा नाराज होते हैं। बाकी नाराजगी का सबसे मेन कारण ये भी होता है बहुत सी बार, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलना। और वर्तमान मुख्यमंत्री कितने पसंद है आपको? मुस्कुरा दिया, देर में उत्तर देंगे इसका। देखो, वो बहुत प्रभावशाली नेता है महाराष्ट्र के, अभी किस बार लोकमत ने उनको प्रभावशालिता का एक आधार बताइए। नहीं, लोकमत ने उनको अभी एक इंटरव्यू नहीं, लोकमत का इंटरव्यू नहीं, अवार्ड शो में उनको महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता करके एक अवार्ड दिया है, और मेरा और उनका इतना डायरेक्ट कभी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा तो वो एक तरीके से 40-50 जो कोई भी आमदार हो या विधायक हो, उनका विश्वास जीतना ये भी कोई छोटी बात नहीं, तो प्रभाव उनका रहेगा, इसके लिए वो प्रभावशाली नेता है। और महाराष्ट्र के अभी सीएम है, तो मैं उनके बारे में अच्छा ही बोलूंगा, सीएम है, सीएम के नाते आने वाले 1.5 साल जो उनको मिले हैं उसमें उन्होंने युवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ज्यादा करके मैं सोचूंगा कि उन्होंने हमारे नेताजी को एक विधानसभा के भाषण के दौरान बोला है कि शिकायत का मौका नहीं मिले आमदार जी, आप्पा जी, तो मैं ये कहूंगा उनका हमारे आप्पा साहब के साथ अच्छा रिलेशन है, तो वो उन्होंने बरकरार रख के हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो है, नायगांव का ब्रिज है, ये सब चीजों के लिए उन्होंने फंड्स देना चाहिए और अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए। बहुजन विकास अघाड़ी लगभग यहाँ आमदार छोड़ दें तो कई वर्षों से प्रशासन बैठा है और सत्ता में नहीं है महानगर पालिका। ऐसे में क्या लगता है इस दिवाली जब आप लोगों को देखते हैं, तो कई बार 2 साल से उनके काम रुके हुए हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो 1.5-2 साल से आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
हो सकता है कि 100 काम में आपने 50, 60 या 40 काम आमदार जी के माध्यम से करवा दिए हों, 30, 40, 30, 40 काम अभी भी अटके होंगे क्योंकि आप सत्ता में। मैं सीधी तौर से प्रशासन के ऊपर, अभी आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब सीधा प्रशासन से मांगूंगा कि आज जब भी 2014 या 15 से 2019-20 तक हमारी महानगर पालिका में बॉडी थी, तभी एक आयुक्त, एक अतिरिक्त आयुक्त, 3 से 4 उपायुक्त और उनके नीचे 9 सहायक आयुक्त, इतना प्रशासन का प्रमुख रहते थे और उनके हिसाब से हम काम करके लेते थे। अभी प्रशासन ने पिछले कोविड कार्यकाल में यहाँ पे एक आयुक्त, 2 अतिरिक्त आयुक्त, कम से कम 12 से 15 उपायुक्त और उनके नीचे 9 सहायक आयुक्त, जो प्रशासन ने मंत्रालय लेवल से होने थे या वहाँ से भेजे, उनको यहाँ की जानकारी अब तक इतनी है ही नहीं कि यहाँ पे वार्ड कितने हैं, कौन सा वार्ड का कौन सा एरिया है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उन्होंने यहाँ के लोकल जो लोग हैं, हमें ही नहीं, यहाँ पे अलग पार्टियाँ भी है, शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, उनको मिला के एक मीटिंग लेनी चाहिए कि यहाँ पे क्या बाबा अज्ञानी अधिकारियों की वजह से लोगों का नुकसान। मैं किसी का ज्ञान यहाँ पे नहीं निकालूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज लाइक, अगर आपको युद्ध जीतना है तो सामने वाले की ताकत और सामने वाले का कमजोरी दोनों पता चलनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम होता है जल भराव। तो किस कारण से ये जल भराव हो रहा है, हमने पिछले 3 साल से, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, पिछले 3 साल से हम प्रशासन को पत्र दे रहे हैं कि आपको ये काम करने चाहिए, ये काम होने चाहिए, ये काम होने चाहिए, हमें प्रशासन की ओर से खाली उत्तर मिल रहा है लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। रोड, रस्ते, गटर, ये बेसिक काम है जो प्रशासन कर सकता है और प्रशासन ने ठान लिया तो प्रशासन आने वाले 6 महीने में ये सब चीज़ें कर पाएगा। लेकिन जो तरीके से उनका स्पीड है, शायद कोविड की वजह से, पहले 2 साल कोविड में ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, हॉस्पिटल्स बनाए, वैक्सीन फ्री दिए, जो कुछ भी किया, अच्छा काम किया, मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि वो समय था बुरा समय, वो बुरा समय टल गया। अभी आने वाले अच्छे समय में जब कभी भी प्रशासन हमारी मदद मांगेगा, हम प्रशासन के साथ, सब पार्टी की ओर से मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक इलेक्शन हुआ नहीं है, चुनाव होने के लिए कितना समय जाएगा हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। तो चुनाव होने तक मेरे हिसाब से हर प्रभाग समिति कार्यालय में हर महीने में जो मीटिंग होती थी, प्रभाग समिति मीटिंग, वैसी सर्वपक्षीय दलों की मीटिंग अगर उन्होंने वहाँ पर लगाई और सबको विश्वास में लेकर अगर काम किया तो स्पीड अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो पकड़ रहती है पॉलिटिकल या स्थानिक नेताओं की, वो आपको लगता नहीं अविकास के पीछे जिम्मेदार बहुजन विकास अघाड़ी की है? देखो, विकास की जिम्मेदारी हमारी है, अविकास की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्यों वो भी मैं कहता हूँ। अब मैराथन होता है तो सड़कें बन जाती है, इस समय प्रशासन अच्छी तरह सड़कें बनाने में जुटा हुआ। देखो मैं आपको क्रॉस करूंगा, एक मिनट, मैराथन होता है ये एक क्रीड़ा या स्पोर्ट्स है जिससे तो अपने तालुका के लड़कों को या यहाँ के लोगों को इतना बड़ा लेवल का स्टेज मिल रहा है। आज मैं खुद मैराथनर हूँ, मैं मेरी खुद की मैं बात नहीं करूँगा, आप कहीं पे भी जाइए, सातारा हिल मैराथन जाइए, मुंबई मैराथन लीजिए या थाना मैराथन, वर्षा मैराथन थाना की रहती, तो वो टाइम पे बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, लोगों का आने से यहाँ के लोगों को बिजनेस मिलता है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल का मैराथन मुंबई का होता है, अपना नेशनल लेवल का होता है, उसमें आपको मैं बताता हूँ, मुंबई इंटरनेशनल मैराथन जो है उतने ही लेवल का अपना मैराथन है, खाली एक इंटरनेशनल मैराथन के लिए 5-स्टार होटल लगता है 25 किलोमीटर की टेरिटरी में, वो अपने पास नहीं होने की वजह से अपना इंटरनेशनल नहीं हो पाता, नहीं तो अपने सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के, मुंबई का जो मैराथन है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड या टाटा अभी उसका नाम हुआ है, इतने बड़े बड़े लोग उनको स्पॉन्सर करते हैं। अपने यहाँ पे अभी स्पॉन्सर कौन है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि दिवाली के बाद जो मीटिंग है वहाँ पे मालूम पड़ेगा कौन स्पॉन्सर से क्या है, लेकिन महानगर पालिका कम से कम खर्चे में अच्छा काम यहाँ पे करती है, स्पॉन्सरर्स आते हैं, उनके खर्चों से ही ये सब होता है, मैक्सिमम खर्चा जो है स्पॉन्सर्स करते हैं। सड़कें, लेकिन अगर देखा है सड़कों के बारे में आपको मैं बात करता हूँ कि बारिश खत्म होती है उसके बाद सड़कों का मैक्सिमम काम चालू होता है, पैच वर्क होने दो, नए सड़कें का काम होने दो, इस बार बारिश नवंबर महीने तक है और मैंने ये भी फोरकास्ट सुना है कि जनवरी लास्ट ईयर भी जनवरी तक बारिश थी और अपने यहाँ पे भारी बारिश होने की वजह से ही मैक्सिमम रोड्स खराब होते हैं। अभी इसमें मैं प्रशासन को भी जिम्मेदार रखूंगा, क्यों तो हमने क्योंकि हमने 2019 के पहले से ही बहुत सी सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण करने के लिए उनको कहा था, लेकिन हमारे अगर आप स्थायी समिति के मीटिंग के एजेंडा निकाल के देखेंगे तो हमने मैक्सिमम रोड्स
कॉन्क्रीट के करने के लिए सुझाव भी दिए थे, हमने उसके लिए मीटिंग्स में हमारा अनुमोदन भी दिया था। अभी प्रशासन उसके ऊपर कितना काम कर रहा है वो अलग बात है। और दूसरी बात, अगर हमारी सत्ता फ्यूचर में आने ही वाली है तब हम मैक्सिमम आने ही वाली है मेजोरिटी में आएगी, वो भी कहता हूँ, सवाल उत्तर कम्प्लीट कर, तो वो समय पे हम मैक्सिमम कॉन्क्रीट रोड करने का हमारा अब कमियां गिना देता हूँ, मुझे लगता है जरूरी भी है। एक, जब विरार फाटा से आप विरार की तरफ आते हैं तो आप देखिए विरार फाटा से चंदन सार तक का इलाका थोड़ा पहले तक लाइट स्ट्रीट लाइट वहां पर है ही नहीं, अंधेर नगरी चौपट रहा। दूसरी बात, आप एक एक इसका मैं इसका जवाब देता हूँ, एक 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 मुझे पूछिए तो मैं भी उसका जवाब आपको बराबर दे सकता हूँ। विरार फाटा से जो चालू होता है वो टोकरे ग्राम पंचायत है, टोकरे खैरपाड़ा ग्राम पंचायत है अपना पीरकुंडा तक, पीरकुंडा के चढ़न के बाद महानगर पालिका स्टार्ट होती है। लेकिन आज भी ये सब रोड सार्वजनिक बांधकाम विभाग पीडब्ल्यूडी के अंडर आते, तो भी पैचवर्क से लेके सब महानगर पालिका कर रही थी और कर रही है। स्ट्रीट लाइट के बारे में आपको मैं बोलता हूँ, अभी रोड जहाँ पे जैसे जैसे लोग रहने आएंगे वैसे वैसे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगती जाएंगी। और सुझाव हमने दिया था आप लोग फ्यूचर में आप सुनिए, जो आरटीओ ऑफिस है तब तक लाइट्स लगाने का हमारा सुझाव था, लेकिन कोविड आने की वजह से वो कहीं पे रुक गया। जैसे बॉडी आएगी हम उसका फॉलोअप लेंगे। दूसरा, स्काईवॉक आपके घर के बिल्कुल पास में, स्काईवॉक जो एमएमआरडीए का, हमने एमएमआरडीए से बात की थी, एमएमआरडीए और रेलवे जो स्काईवॉक को कनेक्शन अगर रेलवे के ब्रिज पे अगर देते हैं तो विरार ईस्ट से स्काईवॉक से चल के बाद में वापिस रेलवे ब्रिज के इधर उतरना पड़ता है और वापिस रेलवे ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे उतर के चढ़ना पड़ता है। सुनो ना, तो वो दो चीजें हैं। और स्काईवॉक को लिफ्ट लगाने का सुझाव एमएमआरडीए को दिया हुआ है, अगर वहाँ पे लिफ्ट लगती है तो लोग वहाँ पे आवन जावन चालू हो जाएगी और सीनियर सिटीजन से लेके बच्चों तक सब वहाँ का वहाँ पे उसका यूज करेंगे। उसका जो निर्माण चीजें हैं वो टूट चुकी हैं, कई बार वहाँ लोग ऐसे बैठे हैं जिसको एमएमआरडीए को हमने फॉलोअप में रखा है। एमएमआरडीए के हमारे जो वरिष्ठ एमएमआरडीए पे हमारे सदस्य है या वरिष्ठ जो फॉलोअप ले रहे उनका फॉलोअप चालू है। जल भराव आज भी शहर में होता है और लगा जल भराव के बारे में मैं प्रशासन को पूरी तरह जिम्मेदार रखूंगा, क्योंकि मेरा खुद का फॉलोअप है, मैं खुद पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब जो भी आते हैं उनको मैं वहाँ का विजिट भी कराता हूँ, डीएमसी जो भी है उनको विजिट भी होता है। लेकिन उसके ऊपर कोविड कार्यकाल के बीच में उन्होंने जो काम करना था वो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे अभी प्रशासन की ओर से पॉजिटिव उत्तर आया है। शहर में सुनो, मेरा अभी सुनो तो पूरा सुनो, अगर आप क्वेश्चन पूरा करते हो तो मेरा आंसर भी पूरा लीजिए। प्रशासन ने उसके ऊपर पॉजिटिवली सर्वे भी किया है और जो कुछ भी काम करने हैं होल्डिंग पॉइंट से लेके क्रीक तक जाने का जो पानी, मेरी प्रशासन के साथ हमारे युवा आमदार क्षितिज दादा ठाकुर के मार्गदर्शन में मीटिंग हुई, हमारे सभापति सखाराम जी माड़िक थे, हम यहाँ के विरार पश्चिम के सब नगर सेवक थे, उनको उन्होंने पॉजिटिवली रिप्लाई दी, दिसंबर से नाले सफाई के साथ ये होल्डिंग पॉइंट का शायद काम वो चालू करेंगे। शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है, चाहे विरार की हो चाहे नाला सुपारा की हो, और वसई के आप रेंज ऑफिस के आसपास की बात करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या। एक बात बोलूं, आप मीडिया 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 क्या बढ़ रही है? नहीं, आप मीडिया मीडिया कर्मी हो। परसों की बात है, आज इतवार है, फ्राइडे इवनिंग को मैंने एक न्यूज देखी कि खुद सुप्रिया सुले जी पिंपरी चिंचवड़ में उतर के ट्रैफिक रिमूव कर रही थी और वही टाइम पे भुजबल साहब नासिक में ट्रैफिक क्लियर कर रहे। तो ये सब समस्या जो बढ़ने वाली लोकसंख्या है वो शहरों की है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसका फेल्यूर होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 10 साल में 200 से 400% हो रही है। 2009 में जो सेंसेक्स हुआ था, 2001 में सेंसेस हुआ था और 2011 में सेंसेस हुआ, उसमें नाला सोपारा विधानसभा की जो लोकसंख्या 236% बढ़ चुकी है। तो आने वाला ये 10 साल का तो सेंसस हुआ ही नहीं है, तो उसमें कम से कम 400% अपनी लोकसंख्या बढ़ी हुई है। नालासोपारा ईस्ट वेस्ट का ब्रिज हो या विरार ईस्ट वेस्ट का ब्रिज हो, सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे को शाम को 4 से 7 बजे तक पूरी तरीके से ब्लॉक रहता है, क्योंकि वो टाइम पे ज्यादातर लोग मार्केटिंग के लिए बाहर आते हैं। आमतौर पे भी होता है, आमतौर पे होने का कारण है सिग्नल ना। नहीं, मुझे लगता है उसका नाला सोपारा के लिए एक आपको मैं आपको मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नाला सोपारा में मैं खुद देख चुका हूँ कि नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट की पब्लिक जो ईस्ट में उतरती है वो शॉर्टकट से वहां से अंदर घुसती है, तो उसकी वजह से जो लाइन में आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि कई जगह पर अनधिकृत रूप से फेरी वाले या अनधिकृत रूप से गाड़ी खड़ी करना, स्टैंड लगाना,
ये सब मुख्य वजह है अगर इस पर प्रॉपर काम हो प्रॉपर काम प्रशासन का करना जरूरी है। मेरा परसों ही मैंने प्रशासन को पत्र दिया है या एक हफ्ते पहले, आप देखोगे तो मेरा पत्र है और उसको स्मरण पत्र भी है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार स्टेशन से 150 मीटर की दूरी पे कोई भी फेरी वाला, कोई भी रिक्शा वाला ना हो, अगर फ्यूचर में या कभी भी गलती से कोई दुर्घटना होती है तो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस पहुंचने के लिए दिक्कत ना हो। तो हम फॉलो अप ले रहे हैं सर, तो आने वाले समय में हो सकता है सही, जरूर होना ही चाहिए। प्रशासन के ऊपर जब अंकुश आएगा बॉडी का तो काम और अच्छा होगा। आखिरी सवाल, आने वाली दिवाली में क्या माने की सत्ता विपक्ष की होगी? 2022 है, हाँ। 2023 की दिवाली आप बोल रहे, अगर इलेक्शन होता है 2023 तक तो, और नहीं भी होता है तो मैं इसका उत्तर यही कहूंगा, प्रशासन जनता का होगा। अरे ना विपक्ष का होगा ना सत्ता पक्ष का होगा। अभी विपक्ष में महाराष्ट्र में कौन बैठा है वो मुझे नहीं मालूम। आप सोचो ना, 10-15 दिन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 10-15 दिन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2019 में इलेक्शन के बाद सीएम और डीसीएम अलग थे, उसके बाद वापस सीएम डीसीएम अलग आए, 2022 की जून जुलाई में सीएम डीसीएम चेंज हुए। अभी किसने देखा है क्या होगा, लेकिन महानगर पालिका के इसमें मैं कहूंगा, आप्पा के नेतृत्व में हम क्षितिज दादा जिनको महापौर बनाना चाहते हैं उनको महापौर बना के ही रहेंगे, और वो भी मेजोरिटी से। हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का सत्ता रहेगा, मेयर भी हमारे रहेंगे। क्षितिज दादा महापौर बनाना चाहते हैं? क्षितिज दादा के नेतृत्व में जो यहाँ के मेयर बनना चाहते हैं वो मेयर बनेंगे पक्का, जरूर। विपक्ष भी चाहता है कि उसके लोग भी मेयर बन जाएंगे। देखो सुनो 2015 में वार्ड थे, 26 इस समय, इस समय अभी इस समय कितने हो गए वो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन 115 में हम 109 चुन के आए थे, कम से कम उतने तो हमारे चुन के आएंगे ही। तो उनको छोड़ देते हैं थोड़े बहुत, जो भी उनको छोड़ देना ऐसे नहीं कहेंगे। देखो कहीं पे 5-6 सीट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये मानते हैं पूर्णतः 109 तो हमारे जितने हैं उतने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सचिन जी आप आए, इतना अच्छा इंटरव्यू आपने लिया, इसके लिए आपकी पूरी टीम की मैं आभारी हूँ, और आपको वापस दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। ये थे हार्दिक राउत, और हार्दिक राउत ने लगभग उन सारे सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया जिसमें सत्ता पक्ष में भी होते हुए जिम्मेदारी होती है उत्तर देने की, उसका प्रयास किया और कोशिश किया कि ये वर्तमान राजनीति में जो चल रहा है उसको भी बताने का प्रयास किया, लेकिन दबी आवाज में। लेकिन देखना ये होगा कि इन सब बातों से आने वाली दिवाली में जो अगली होगी उसमें क्या कुछ हर्ष उल्लास और नया कुछ नजर आता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।